शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। शिकागो का सोयाबीन वायदा तेज होता हुआ मध्य मई के बाद के उच्च स्तर पर जा पहुंचा है। कारोबारियों और विश्लेषकों का कहना है कि दक्षिण अमेरिका में शुष्क मौसम के कारण उत्पादन में कमी आने की आशंका के कारण सोयाबीन वायदा लगातार पांचवें दिन भी तेज रहा। रूस दुनिया में गेहूं का टॉप एक्सपोर्टर है, जबकि यूक्रेन इस मामले में चौथे स्थान पर है। हालात बिगड़ने पर गेहूं की ग्लोबल सप्लाई खतरे में पड़ सकती है, जो दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की महंगाई की वजह हो सकती है। बता दें, रूस और यूक्रेन मिलकर करीब 25% गेहूं की सप्लाई करते हैं। इसमें आई रुकावट महंगाई को और ऊपर ढकेल सकता है। धनिया में तेजी जारी है, हाजिर मांग के कारण वायदा कीमतों में तेजी आई है। एनसीडीएक्स पर अप्रैल वायदा 11,100 रुपए के ऊपर कारोबार करता दिखाई दिया। लगातार दूसरे हफ्ते भाव 11,000 के ऊपर बरकरार है। वायदा के भाव लगातार 9 हफ्तों से चढ़े रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास का भाव पिछले सप्ताह की तुलना में 6 सेंट प्रति पॉइंट कम हुआ है। फिर भी चालू सप्ताह में सकरी की कीमत में वृद्धि के कारण देश का कपास बाजार मजबूत बना रहा। 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर रेट स्थिर कर दिए गए। मलेशियाई पाम तेल वायदा रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। कारोबारियों और विश्लेषकों का कहना है कि रूस यूक्रेन का तनाव बढ़ने के कारण काला सागर क्षेत्र में खाद्य तेलों, अनाजों तथा क्रूड की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका से उपजी चिंताओं के कारण पाम तेल में नवीनतम तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $19 के नीचे आया है। कॉमिक्स पर सोना लगातार दूसरे दिन गिरा। कॉमिक्स पर चांदी $24 के ऊपर कायम है। एमसीएक्स पर सोना 50,100 रुपए के नीचे लुढ़क गया है, जबकि चांदी का भाव 64,000 रुपए के ऊपर बरकरार रहा। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार स्थिर चल रहे हैं। यूक्रेन रूस तनाव के बीच कच्चे तेल में लगातार तेजी दिख रही है, लेकिन भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम नहीं बदल रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गए हैं। विदेशों के तेज समाचार आने तथा बिकवाली कमजोर होने से हाल ही में कांडला में सीपीओ के भाव 850 रुपए क्विंटल बढ़ गए हैं। भविष्य में भी इसमें मंदी की संभावना नहीं है, बाजार और बढ़ सकता है। विदेशों में सीपीओ के भाव $125 बढ़कर $1,625 प्रति टन हो गए हैं। देश भर में सोयाबीन और सरसों की आवक बढ़ गई है। देश भर की मंडियों में सोयाबीन की आवक करीब 2.5 लाख बोरी और सरसों की आवक करीब 5 लाख बोरी तक भी पहुंच गई है। इसके बावजूद तेल तिलहन में तेजी का दौर जारी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सोयाबीन 8,000 रुपए के पार बिका है। सरकार ने कहा कि दलहनों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने तथा कीमतों को स्थिर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से पिछले एक साल में अरहर दाल के थोक मूल्य में करीब 3% की गिरावट आई है। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।